साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच पे, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं बलीगांव में पहुंचा हूं और सामने से जो भैया जी खड़े हैं हमारे युवा किसान, ये भाइयों अब की बार में गन्ने की नई वैरायटी शाहजहानपुर से नई रिलीज हुई है 17231 लेकर आए और ट्रेंच विधि द्वारा इन्होंने लगा रखा है और उसके साथ में दूसरी भी नई वैरायटी है इनके पास में कोलक 14201 और एक तीसरी वैरायटी है 16233 शाहजहानपुर से लेकर आए हमारे भैया जी। तो सबसे पहले मैं भैया जी से एक बार मिलवा दूं और फिर जो ये दोनों तीनों नई गन्ना वैरायटी है इनके बारे में भैया जी से पता करेंगे। तो हाँ जी, क्या हाल है भैया जी का? बहुत बढ़िया जी। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। जी थोड़ा सा अपना परिचय। ग्राम हमारा बली है जी। जी जिला हमारा मेरठ। अच्छा भैया, ये 17231 शाहजहानपुर से लेकर आए? शाहजहानपुर से लाए थे, इसके हम 800 बड़ लाए थे। 800 बड़ जी। अच्छा, ये तो अभी रिलीज हुई, तो हाँ, जैसा आपने लगाई तो सिंगल बड़ से बुआई करी थी? सिंगल बड़ से बुआई करी थी। अच्छा, सिंगल बड़ के हिसाब से जी, मतलब ट्रिलिंग तो बढ़िया कर रखी इसने ना? ट्रिलिंग भी बढ़िया, हाइट भी। अभी थोड़ी पहले पोत तैयार करवाई, पोत तैयार करवाने के बाद लगा, अभी तो मिट्टी चढ़ी है इसमें, तो रूट सिस्टम भी डेवलप नहीं हुआ इसमें कुछ भी। हाँ जी हाँ जी, तो मिट्टी चढ़ी हुई है इसको। ये लगभग आपके पास में कितने खोड़ बता रहे आप? ये 800 बड़ मिली जी। चार खोड़ है हमारे। अच्छा अच्छा, चार खोड़ है जी। 16233 के तीन है। अच्छा, 16233 के तीन है जी, जी, जी। तो इसमें अपनी थोड़ी सी लागत बता दो, एक तो क्या क्या तुमने लगाया? लागत तो इसमें जब गन्ना लगाया था, थोड़ी थोड़ी पौध लगाने के बाद, हाँ जी हाँ जी, पानी दे के, हाँ जी, उसके बाद 2.5 की डाई लगाई, हाँ जी, और 2.5 की पोटास लगाई। अच्छा अच्छा, और फिर एक बार 2.5 का यूरिया और उसमें 1 किलो बीघा कॉम्बिकोल मिला के लगाया। अच्छा, कीटनाशक में भी कुछ लगाया इसमें? नहीं, कीटनाशक में इसमें एक तो नीचे लगाई थी हमने लिसेंटा। अच्छा जी, और ऊपर इसमें कोरोजन की स्प्रे करी है। अच्छा अच्छा, कोरोजन की और जी थायमैक्सिम की मिला के स्प्रे करी है। अच्छा, कोरोजन की क्यों स्प्रे करी? मतलब इसमें टॉप बोरो का बताया था? नहीं बताया नहीं था, लेकिन फिर भी कर दिए कि स्प्रे। अच्छा अच्छा, नहीं अभी तो आगे जाकर पता चलेगा। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया था हमने उसमें, टॉप बोरो नहीं आया। अच्छा अच्छा, छोड़ दिया था केवल इस वजह से कि भाई थोड़ा तजर्बा हो जाएगा कि इसमें इतना आवे नहीं आता, तो बोरो तो नहीं आया इसमें। अच्छा अच्छा, तो भाइयों अभी जो है इसमें गिटार सी तो लगे थे। अच्छा, तो खा रही थी तो उसकी, हाँ वो तो ज्वार का कीड़ा है, वो आ रहा था जंगल लगी थी उसकी वजह से, तो थोड़ी दवा। तो कुल मिला के भाइयों ये देख लो 17231 बहुत शानदार चल रहा है इनका और गजब की गन्ना वैरायटी है और अगली बार में इसका पता चलेगा। हाँ, अभी देखो कुछ पक्का कुछ नहीं कह सकते अभी। हाँ, अभी जब ग्रोथ पूरी हो जाएगी तो उसके बाद गन्ना किस हिसाब से निकला कैसे निकला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे पता चलेगा। तो भाइयों अगली वैरायटी दिखाते हैं भैया जी की, ये इससे बाद में आ गई, यहाँ से है जी? अच्छा अच्छा, इसमें मिक्स हो गए थे यहाँ से। ये आगे जी आपकी 16233। तो भाइयों ये भी शाहजहानपुर की है, ये देख लो इसकी कुछ ऊपर को पंखड़ी, ये खड़ी है पत्ते, मतलब ये 33 में भी है, 17231 में भी है, व्हाइट कलर का। अच्छा ऐसा, और इसमें भी है ये। अच्छा इसमें भी सेम ही है। अच्छा अच्छा, तो भैया ये यार इसमें तो मतलब अभी तो अंतर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बढ़िया चल रही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। इसके पत्ते थोड़े पत्ते दोनों के सेम से ही लग रहे हैं, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है अभी हाइट में। हाँ जी हाँ जी, बल्कि गन्ने में लंबाई इसके में कुछ ज्यादा मिलेगी इससे, क्योंकि जब हम बीज लाए थे इसकी पूरी थोड़ी छोटी थी, इसकी पूरी लंबी थी। अच्छा अच्छा, तो 17231 ज्यादा लंबा होगा। हाँ लंबा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, और भाइयों इससे बाद में लागत तो हमने बताई थी भैया जी ने, इनके पास में भाइयों तीसरी वैरायटी जो है यहाँ पे, ये देखो कोलक 14201 लगा रखा भैया जी ने। तो भाइयों ये भैया जी के पास में तीसरी वैरायटी होगी कोलक 14201, उधर से सूरज का चौंदा लग रहा था दूसरी साइड में आए खेत की। तो भैया जी ये आपने सिंगल बड़ से बोया था कैसे जी? ये सिंगल बड़ से लगाया, सिंगल बड़ से जी। अच्छा अच्छा जी, पिलर्स भी देख लो इसमें, लंबाई भी देख लो, लोग इसकी लंबाई कम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो लंबाई की तो मेरे पास में भी काफी कमेंट आ ली कि 14201 की हाइट कम है, तो मतलब आपको क्या लग रहा अनुभव? हाँ जी हाँ जी, हाँ नहीं बढ़िया हाइट लग रही। अच्छा भैया इसमें एक चीज बताओ आप, इसमें लागत वही है सेम या? देखो इसे लागत है, इसे 2.5 यूरिया फालतू लगा। अच्छा अच्छा, और एक कट्टा कैल्शियम नाइट्रेट का एक एकड़ में। अच्छा अच्छा, तो एक सबके जैसे सेम है ये। इसमें कीटनाशक में आपने क्या लगाया था? कीटनाशक में इसमें तो कोरोजन अक्टूबर के महीने में करेंगे हम। अच्छा अच्छा, कोरोजन अक्टूबर के महीने में। इसमें अगर बोरर आवे तो सितंबर के लास्ट में अक्टूबर के शुरू में आ गए, पिछले साल हम पे था वो। अच्छा अच्छा, इसमें जो बोरर आगे सितंबर के लास्ट में अक्टूबर के शुरू में, स्टार्टिंग में बोरर नहीं आता, स्टार्टिंग में फरवरी में आता इसमें बोरर। अच्छा अच्छा, ये अक्टूबर में लगा दी थी हमने। अच्छा, 20 अक्टूबर को करने लगाया था। तो इसमें कोरोजन करोगे आप? हाँ कोरोजन की स्प्रे। अच्छा, कोरोजन की नीचे से ट्रेंचिंग ना, स्प्रे कर देंगे। अच्छा, ऊपर से स्प्रे, ऊपर से भी कोरोजन काम कर दे? काम कर दे।
हम तो कई साल से लगाई ऊपर से। अच्छा जी, ये तो पहली बार सुना जी हमने। एक बात बताओ, हमला को नीचे से भी लगा सको ऊपर से भी लगा सको? नहीं, इंसेक्टिसाइड दवाई है, जैसे जड़ में ड्रेंचिंग करके पौधे में चढ़ेगी तो क्या पत्तों से भी चढ़ जाएगी? पत्तों से भी तो पेड़ लेगा ना इसको। अच्छा अच्छा, तो रिजल्ट देखा आपने? ऊपर से भी आ रहा है? लगाई कई साल से ऊपर से रहे। अच्छा अच्छा, तो भैया कोलक 14201 भी आपका शानदार खड़ा, 35 भी शानदार खड़ा, नई वेरायटी आपने दिखाई दी है ना जी। ये कितने इंची पे लगा रखा आपने? ये 62 इंची पे। अच्छा, कब की बुआई है जी? 20 अक्टूबर की। पिछली बार मौसम नहीं रह पाया, थोड़ा पहले करना लगाते। असोज जी गन्ना, मतलब कुछ मिला बारिश पड़ती रहे, बारिश पड़ती जी जी। तो भाई ये खेत जो है असोज जी गन्ने का है, मैं फागण का सोच रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और हाइट वगैरह ठीक खड़ी? थोड़ा नाड़ी पर खड़े हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत बढ़िया खेत लगा खड़ा है एक सार इनका। तो मोहित भाई ने कंप्लीट जानकारी इसके बारे में दे दी। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डरने की समस्या इसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ, कम गिरा है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो भाइयों, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताइयो। नमस्कार।